और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, खतरनाक हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और ये देखो पीछे कोहरा ही कोहरा है, धुंध ही धुंध है। इस ठंड में ना मृदु शानवी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ मैं आज। कल उनको घर पे रहने दिया था ना, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा धमाल में चाके रखी हुई थी, इसलिए आज मैं उनको छोड़ के ही आ गई। और दूसरी बात ये है कि यार लाइट चली गई है सवेरे, मतलब अंधेरे अंधेरे में ही सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ा। और बार बार गैस पे ही पानी गर्म कर कर, क्योंकि ठंडे पानी तो हाथ लगाने लायक है नहीं। और ये देखो ना कैसे हाथ एकदम लाल हो जाते हैं। अगर लाइट होती तो हीटर वगैरह यूज कर लेते हैं तो अंदर रूम में इतनी मतलब ठंड नहीं लगती है। और बाहर तो यार टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी जीरो है। धुंध ही धुंध छाई हुई है चारों तरफ। और साथ में ये मेरा कैमरा भी ना जाम हो गया है, हिल नहीं रहा है अच्छे से। देखो ना कितना ज्यादा हड़बड़ आ गया ये तो। ऐसा है जी, बस अब यही दिल कर रहा है कि यार गरम गरम चाय बना दे। बस गरम गरम चाय बना, मेरा दिल कर रहा है ना कि उस दिन ना आपने कितनी टेस्टी वाली चाय, इन्होंने चाय बनाई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। देख चाय तो मैंने बनाई नहीं थी, वैसे चाय इसी ने बनाई हुई थी। सीरियसली बात, कभी भी चाय बनाती हूँ ना तो किसी को भी पसंद ही नहीं आती, पर मैं चाय बनाता हूँ सबको इतनी अच्छी लगती है ना। जो मैं चाय बनाता हूँ शुगर और चीनी इतनी ज्यादा हो जाती है, मजा आ जाता है पीने का, सीरियसली मजा आ जाता है। इसलिए ना अभी देखना ये गर्मा गर्म चाय लेके आएंगे और मैं इनके लिए, चलो अब जब ये बनाएंगे चाय तो इनके लिए क्या बनाया जाए। चाय के साथ मुझे कुछ पसंद नहीं होता है, तो पकौड़ियाँ तो दिन में खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है ना, तो पकौड़ियाँ खाएंगे दिन में। आज ठंड खुद देखो ना, ठंड बहुत ज्यादा है तो इनको घर से काम करना है। सॉल भी हो रहा है, सारे बच्चों को ना भेज दिया, सिंगल स्वेटर पहनी हुई है, सिंगल स्वेटर, सिंगल की मैं देखो मैं बताऊं, गिनाऊं 1 2 3 4 चार तो यार फूल नहीं जाते हैं, अगर चार हो तो पतली पतली पहन ली इन्होंने, और ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, पतली उतनी क्या बोलते हैं, क्या होती है वो, निगी 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 नहीं होती है। चलो चाय बनाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हो गई आज की आपके साथ गपशप, तो चलते हैं अब कल की तरफ। तो कल भी ना मौसम इसी तरह का था, बहुत ज्यादा बारिश पड़ी हुई थी तेज वाली, तो बच्चों को तो मैंने नहीं भेजा था स्कूल कल, तो अभी मेरे चल पड़े हैं साफ़ सफाई के काम। और मैं कर रही हूँ ये रूम को अच्छे से सेट, और साथ में शानवी बैठ गई है अपना होमवर्क करने। शानवी को ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो वो 2400 घंटे चाहे से अपनी किताबें ना भी पढ़े ना, तो इधर उधर जो भी उसको मिलता है उसको लगी रहती है टाल मटोल कुछ ना कुछ, मतलब लिखा पढ़ी करने। और मृदुल उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता पढ़ाई के नाम पे, तो वो लग जाता है टाल मटोल करने। और अभी जब मैंने उसको बोला ना कि होमवर्क कर ले, तो भाग गया अपने दादा के पास। उसको ना लिखना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर इतना है जब उसको एक बारी में ही मैं कुछ भी बता देती हूँ ना, तो एकदम से उसके दिमाग में फिट हो जाता है, उसको दोबारा से वो चीज़ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर हाँ, लिखवाना उससे ना बहुत बड़ा टास्क होता है, कम से कम भी एक घंटा तो वो लगा ही देता है मेरा होमवर्क करवाने में भी। साफ सफाई के काम के बाद फिर कपड़े डाले हुए थे। हाँ, वैसे तो बारिश ही थी पूरा दिन, मौसम ख़राब ही था, धूप तो लगने से रही, लेकिन फिर भी धो के अब डाल देती हूँ। अगर गलती से थोड़ा बहुत धूप का चमकारा लग जाए तो बेस्ट है, इसलिए मैं अपना काम निपटा के ही रखती हूँ। और सही भी है, क्या पता कब जैसे धूप लग जाए। और यहाँ पर बारिश तो पड़ती नहीं है, अंदर वाली साइड को तार पर ही डाल रही हूँ, थोड़ा बहुत हवा से ही सूखते रहेंगे और फिर बाद में अच्छे से धूप लगेगी तो फिर उस टाइम पर तब उनको सुखा लूँगी। तो बस अभी आप देखिए मृदुल और शानवी की मस्ती चली हुई है। सारे बच्चे गए थे, तुमको जाना चाहिए था। सही
सही बात है, बच्चों को ठंड नहीं लगती। और वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप बार बार एहसास करते रहो कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो ही फिर ठंड लगती है, अगर आप फील नहीं करोगे तो उतनी लगती नहीं है। और इसके बाद फिर ये बालों के लिए मैंने रेमेडी बनाई, ऑयल बनाया है, तो अगर आप भी चेकआउट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और ऑयलिंग अगर आप हैवी करते हो तो उसके बाद बालों को हमेशा टाइटली बंद करके रखना चाहिए। आप पूछते हो ना कि मैं जूड़ा कैसे बनाती हूँ, तो वो भी मैंने ये इसी तरह से बनाती हूँ, चाहे से मैं कहीं जाने के लिए बना रही हूँ चाहे से अभी हैवी ऑयल वाला, तो ये काफ़ी बड़ा सा भी दिखता है और लगता भी सुंदर है देखने में। और फिर मैं बस यही बता रही थी इसमें भी कि जब आप हैवी ऑयलिंग करते हो तो इस तरह से या तो जूड़ा बना लीजिए या फिर आप इस तरह से चोटी बना लीजिए बालों की, तो अच्छा रहता है। और जो आपने ऑयल अप्लाई किया होता है वो भी अच्छी तरह से स्कैल्प में रूट्स तक जाता है। तो बस इतने में ही शाम हो जाती है वीडियो को, फिर मैंने अभी एडिट करके अपलोड भी किया था, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हो। और इसके बाद फिर ये चल पड़ी शाम के खाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, जैसे कि अभी आपने देखा गर्म ऑयल में जीरा और धनिया मैंने डाल दिया है, इसे चटकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, प्याज थोड़ा सा पकने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो जो जो मसाले हैं वो सब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और थोड़ी सी देर इसे भी चला करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, और जब तक ये पक रहा है तब तक फिर टमाटर को ग्राइंड कर लूँगी। और अभी इसमें फिर ये ऐड कर दिए टमाटो प्यूरी, इसे भी फिर अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी सारी वेजिटेबल्स जो भी मैंने यहाँ पे काट के रखी थी, तो गाजर, शिमला मिर्च, आलू, गोभी, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी थी। और अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाऊँगी क्योंकि ये सब्ज़ियाँ ना अगर आप बहुत ज़्यादा पका देते हो तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी उतनी अच्छी नहीं लगती। जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक फिर मैं गूँथ लूँगी आटा। आटे को अगर पकाने से आधा घंटा पहले ही गूँथ के रख देते हो ना तो काफ़ी नरम नरम और फुली फुली सी रोटियाँ बनती हैं। तो जब भी आप सब्ज़ी बना रहे हो ना उससे पहले ही आटा गूँथ लो, तो जब जितनी देर में सब्ज़ी पकेगी तब तक ये काफ़ी नरम हो जाता है। और बस फिर खाना वाना होने के बाद अभी ये नई टाइम की क्लीनिंग रूटीन, तो अभी मैं ये बर्तन वगैरह सभी साफ़ कर लूँगी क्योंकि अगर सुबह थोड़ा सा भी इधर उधर की चीज़ें मिले ना तो मन भी नहीं लगता काम करने में, और अगर सवेरे करना पड़े कुछ ना तो बुरा भी लगता है, इसलिए अगर सब कुछ क्लीन क्लीन हो ना तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो यही काम मैं कर लेती हूँ। और काफ़ी गर्म गर्म पानी आ रहा है, गीज़र लगाया हुआ है, तो ठंड में ना अगर आप गर्म गर्म पानी में काम कर रहे हो या फिर आग के पास काम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए फिर मैं मोस्टली यही करती हूँ, आग जला रही होती है तो वहाँ पर भी खाना बना लेती हूँ। तो बस यहाँ से छुट्टी करके फिर मैं पहुँच गई बच्चों के पास, तो मेरी दूर से काम करवाना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, शान भी ने तो कर लिया होता है लेकिन ये बिल्कुल भी लिखने के मामले में बहुत कच्चा है, तो इससे बहुत बार बार इसको कई लालच देने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से इसे लिखवाना पड़ता है, कई बारी तो रोना ही स्टार्ट कर देता है, फिर भी बड़ी मुश्किल से इससे ये होमवर्क करवाया जाता है। तो फिर चलिए अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और आज फिर से मौसम वैसा ही बना हुआ है, धुंध चारों ओर वैसे की वैसी छाई हुई है। और अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मैं, सामने बस आती है उनकी, और सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी, तो सारा मोमबत्ती की रोशनी में ही सारा काम हुआ है, इसलिए कैप्चर करना थोड़ा सा टिपिकल था। तो बस अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने और पतिदेव ने आपके साथ गपशप भी की थी जो कि आपके साथ स्टार्टिंग में ही मैंने शेयर भी किया है, तो यहीं से आज का ब्लॉग ये स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद फिर पतिदेव को जाना था धर्मपुर, तो दो मिनट में फट से मैं भी रेडी हो गई। मैं इसलिए रेडी हुई क्योंकि बीच में पड़ता है मेरा मायका, और मैंने बोला कि जब आप जाती बार मुझे ड्रॉप कर लेना वहीं पे और आती बार फिर से ले आना साथ साथ, तो आपका भी काम निपट जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा घूमना फिरना, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। ऐसे भी ना पूरा दिन भर घर पे बस यही काम काज करके थोड़ा सा मैं भी
दुखी हो जाती हूँ कभी कभी ना, तो अपने से मिलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं इधर उधर कहीं जाती नहीं हूँ, तो बस फिर फटाफट मैंने ये ब्रेकफास्ट रेडी किया सबके लिए और लंच तक मैंने आ जाना था वापस, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम होता है और फिर अगर घर पे ना हो ना मैं तो फिर वो धमाल मचा देते हैं। इसलिए फिर फटाफट से रोटी बनाई, भिंडी की और आलू की सब्ज़ी बना रखी थी, और बस फिर निकल गए हम लोग। अभी आप देखिए ना रास्ते में धुंध कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इधर उधर, तो मौसम एकदम ठंडा है और ठंड के मौसम में ना घूमने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो इसके बाद फिर ये तो चले गए आगे की तरफ और मैं यहाँ पे, मुझे इन्होंने उतार दिया। ये देखिए मैं आती हूँ अभी आपको, सरप्राइज था सदिते। तो मैं चली गई अचानक से ही अंदर, और अंदर यहाँ पे ये इनसे भी मिलवाती हूँ कौन है ये, और थोड़ा सा आपको फिर नज़ारा दिखा देती हूँ ना ऊपर छत से, बहुत ही अच्छा सा लगता है और आपको भी ये वाला व्यू ना बहुत पसंद है, इसलिए आपके लिए फिर मैं ऊपर छत पे आ गई सीधा ही। और दूसरी बात बताऊँ तो अभी ना धूप भी लग गई है, हल्की हल्की लगना स्टार्ट हुई है, लेकिन दो तीन दिनों से बिल्कुल भी धूप चखी नहीं है ना जैसे, तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो छत पे जा कर के थोड़ा सा धूप चख लेते हैं, बहुत ज़रूरी होती है और मुझे तो आदत ही हो गई है, इसीलिए अगर एक आध दिन धूप में ना आए ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो गई शरीर में, और रियलिटी में होता है ऐसा जिस चीज़ के हम हैबिचुअल होते हैं। तो चलिए अभी मिलवाती हूँ कि ये कौन है। तो ये ना मेरे बड़े भाई के नोन हैं और बहुत सारी आज हमने मस्ती फ़न किया है इनके साथ भी, तो चलिए वो सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप भी देख लीजिए। यू आर माय वेरी बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, यस। And sister, big sister? Older sister, yes. Eight year big? Older, yes. You? Yes. She's my daughter and daughter Vandana. Yes, I meet her before, yes. He's my son. Son-in-law. Sanju. मम्मी की इंग्लिश एक नंबर भाई, एक नंबर। अभिषेक, नाइस टू मीट यू। यस, थैंक्स अभिषेक। आई बैटेड यू सर। आर यू वेरी क्वालिफाइड? यू कम टू कनाडा, कम क्वालिफाइड पर्सन, कम टू कनाडा, वी नीड वर्कर्स। आई एम वेरी वेरी क्वालिफाइड, आई एम। I'm now in Canada doing job. Right now. Yeah. Okay. Good. Indian tea. Amir paar rakh diya. Banana le rakhi. हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ना यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ क्योंकि पतिदेव जा रहे थे धर्मपुर की साइड, और मैंने सोचा कि मौके पे चौका मार लिया जाए, तो मैं भी पहुँच गई यहाँ पे अपने मायके। तो यहाँ पे देखा तो मम्मी की फ्रेंड यहाँ पे आए हुए थे, ये कनाडा से हैं, और चलिए अभी इन्हीं से आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि कौन है ये और क्या। चलिए आप थोड़ा सा बता दो अपने बारे में। गुड मॉर्निंग इंडिया, हाउ आर यू टुडे? Oh, क्या बात है! एक नंबर। Okay. Your name and okay. yourself. Oh Christ. Your name. Okay. Hi, I'm Teresa from Canada, Ontario, Canada. I'm a mother of one, grandmother of three. Enjoying my stay here. People in India have been very graceful. And looking so young in this age, okay? It's all the face cream that you ladies use here. Oh ho! Iska bhi makeup karo, koi yahan bindi bandh lagao iska. Indian culture. Yes. And tell us something about your country. I work in Canada. I work for a Toyota company. Each year I make my trip here. Enjoy the company of everybody, especially up in HP. They've been very gracious, very humble.
This is my best sister. I'm her younger sister. Miss everybody sister. My friend's brother, he's been very gracious showing me things. और इससे ज्यादा अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, ये हर साल ना इंडिया आते हैं तो यहाँ पे जरूर स्टे करते हैं। तो जो मेरे भाई की शादी हुई थी ना फैब में, ब्लॉग मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो वहाँ पे भी आपको, क्योंकि शादी में काफी एंजॉय किया था, उसके बारे में बता दो थोड़ा सा। You enjoyed a lot during marriage, Vinod. Yes, I come to 3-day wedding here. It's very different than what we have in Canada. Canada was only 1 day. You get married, you have a ceremony, it's done. Here it's very traditional, 3-day cleansing. Long cleansing, much fun with friends, neighbors, dancing, enjoying everyone's friendship. How do I say? That's why she likes Indian cultures very much. It's the family. Dance. Everyone's so family oriented. Mummy ki angrezi na kamal hai, main bolu kamal ki angrezi bolte hai meri mummy. Beautiful mountains, snowfall up on high mountains. Shimla. But I don't want to go to Shimla today. Too much snowfall. But another day. Yeah. I see too much snow in Canada. She was my friend. She's Lata. I hear Chachi Bata ji. This is Indian ladies very happy about it. No, I eat. Or no more food, no. She made me big on like this. You're my friend. You are my best friend. No, we're sisters. I'm older. Canada. She is very rich lady. Bandana chal pari. Indian rupees. How wealthy she is. Easy to spend. Yeah. I am not money. I know, I'm poor. A businessman. Not money. Because you know I'm not in Canada. Working in Riga. Yeah. So, ye hai something. अभी बहुत सारी मस्ती बाकी है, तो वो सब देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो बस आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और हमारी इंग्लिश स्पेशली। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।